हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा चैनल अभी शुरू हुआ है, वक्त बज रहे दोपहर के दो और अभी हम बना रहे हैं लंच। मुस्कान बना रही है रोटियां, मैं अभी आई थी तो इसने शुरू कर दी थी, तो मैं इसके साथ बनवा रही हूँ रोटियां और इसमें लस्सी डाल ली है, अभी सब साथ में खाएंगे। आज अमन की भी छुट्टी है और टमाटर की चटनी बनाई है, अभी दिखाते हैं लंच में क्या क्या है। कच्ची रहेगी कोई ना, तो बस अभी होगा हमारा लंच। सुबह से टाइम नहीं मिल पाया थोड़ा सा, आज ये कपड़े फिर दोबारा सुखाए क्योंकि कल से गिले हुए कपड़े पड़े थे, तो काम करते ही फटाफट मैं निकल गई शॉप पर, इसलिए अभी थोड़ा ब्लॉग शुरू किया हमने। जिसको भी भूख लग रही है आ जाओ, गरम गरम लंच कर लो। फ्रेंड्स अभी कर रहे हैं लंच और अमन अपना काम कर रहा है घर से ही, आज वर्क फ्रॉम होम है तो अभी हमारे साथ लंच करेगा। और लंच में है टमाटर की चटनी, आलू की चटनी, कढ़ी और आलू गोभी की सब्जी और लस्सी, और शक्कर डालनी है भूल गए हम तो, है घी रखा है बता ना। और मुस्कान के पापा शक्कर पसंद करते हैं, वो हम डालना भूल गए अभी याद आई हमें। और इसमें है रोटियाँ, आप लोग भी आ जाओ कर लो लंच जिसको करना है। और धूप तो निकल नहीं रही है, मौसम तो बस ऐसा ही है, लेकिन अभी लग नहीं रहा कि कहीं बारिश आएगी। और ये देखो ये कबूतर, ये हमेशा इधर ही बैठा रहता है, वाइट कलर का कबूतर है, ये बिछड़ गया किसी से, डेली यहीं पे बैठा रहता है, यहीं पे खाना खाता है, हम लोग डेली इसके लिए डालते हैं, तो इस टाइम तो ये बैठा ही रहता है, इसको पता है हम लोग खाना खाते हैं, हमेशा आ जाता है ये। और हवा चल रही है बड़ी अच्छी, और मुस्कान भी आ रही है, वो भी अभी हमारे साथ करेगी लंच। फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ अभी खिचड़ी कूटने बाजरे की खिचड़ी बनाएंगे आज, अगली बार हमने एक बार भी नहीं बनाई है, तो मम्मी कूट रही है सामने, जिठानी का प्लॉट है उसमें, तो अभी जा रही हूँ मैं उसमें कूटने के लिए। मम गए कूटने के लिए खिचड़ी, जा रहे हैं मम जा रहे कि खिचड़ी कूटने। दादी वहां पे कूट ही रहे हैं, मोम ने कूटने स्टार्ट कर दी खिचड़ी। मुझे भी बुला रहा खिचड़ी कूटने के लिए। खिचड़ी अभी मम्मी इसको कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है, राली थूक रही है, कुछ ना हुआ जल्दी निपट गई, मैं सोच रही हूँ इतनी जल्दी कुट गया तो फिर कुट लेता कद का तो ये भी कुट गया होगी बस।
बड़ो बाजरो कुटा है, पहले दो दो ढाई ढाई किलो बाजरो कुटे करता, इतने बड़े अंडे देते करते, पहले 10 किलो पक्को बाजरो ले करता, जो डोंगर है तो जो फुल भर के जब दोपहर में कुटे करता। फ्रेंड्स कुट गई है हमारी खिचड़ी, बस अब थोड़ी सी कसर रह रही जरा सी, अब बनाएंगे शाम को खिचड़ी और आ जाना जी जिसको भी खानी हो। शाम के 6 बज रहे हैं और मैंने ये सारे लते फोल्ड कर दिए मम्मी पापा और भाई के और लड्डू के, अपने अभी मैंने किए नहीं है क्योंकि मैं थोड़े मतलब अच्छे से करती हूँ, अपने मम्मी पापा और भाई को ऐसे ही पसंद है तो उनके ऐसे ही कर देती हूँ मैं, और जोत भाई आके लगाएगा। आज हम देखते क्या बनता है, दादी बनाएगी फिर दिखाऊंगी जब दादी बनाएगी क्या बना रही है क्या नहीं। दोपहर में कर तो रहे थे क्या, मैं लेट गई थी, अब बस अपने कपड़े फोल्ड करके फिर उसके बाद देखूँ क्या करूँ, किचन में जाऊँगी कुछ काम और ठीक है, नहीं तो फिर अपनी स्टडी करूँगी। फिर अभी दिखाती हूँ अभी थोड़ी देर में दादी क्या कर रही है, इसलिए थोड़ा इनको रख देती हूँ, इतने में मिलती हूँ थोड़ी देर में। आती हूँ नीचे जाके, दादी कुछ बना रही है नहीं बना रही, मैक तो आ रही है खिचड़ी की, खिचड़ी बना रही क्या बना रही है, हाँ चढ़ा ले खिचड़ी चढ़ा दी, देखा सने दौर कौन मिले ये कई दिन हो गए गई होएगी, चावल भी गिर रहे दाल गिर मूंग के चावल गिर रहे, बाजरे की खिचड़ी सुनीत माधो रहा लो मिला दी। अब चलाएंगे टीवी, लड्डू को देखते क्या देख रहा है, लड्डू देख रहा है सिंचन, देखो लड्डू हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी हूँ सिलाई वाली शॉप पर, मैं अपनी शॉप बढ़ा के इधर ही आ गई थी और आज तो मुझे 10:45 सीसी शॉप पर हो गए हैं, अभी टाइम देखो आप लोग 10:45 हो गए हैं और अभी आज मैं सिलाई वाली शॉप पर ही हूँ, अभी जाएंगे घर पे क्योंकि आज खाना तो बनाना नहीं था, आज बाजरे की खिचड़ी बनाई है तो वो मम्मी ने बना दी है, मैं खिचड़ी को कूट के आ गई थी, बनाने का काम मम्मी का था, मुझे खिचड़ी बनानी नहीं आती तो मम्मी बोली मैं बना दूंगी, तो फिर मैं सिलाई वाली शॉप पर ही बैठ गई थी, अब हम साथ ही जाएंगे दोनों, आज कारीगर भी अपने घर पे चले गए हैं छुट्टी लेके, तो बस काम ऐसा ही होगा फ्रेंड्स, मशीनें सारी खाली है, ये भी खाली है, ये सब तीनों चारों मशीनें खाली है, तो अभी कारीगर आएंगे तब काम चलेगा, अब तो थोड़ा थोड़ा एक दो कारीगर है जितना होगा, लेकिन एक कारीगर था वो अच्छा काम करता था, दिन में 10-12 सूट निकाल सकता था अकेला ही, लेकिन अब वो उसको कुछ अर्जेंट काम हो गया तो वो छुट्टी लेके घर पे चला गया है, तो बस अभी जा रहे हैं मैं और मास्टर जी घर पे, मुस्कान का कॉल आ गया मम्मी कब आओगे,
क्योंकि मैं 9 बजे तक चली जाती थी, आज मैं बस इधर रुक गई तो थोड़ा लेट हो गई। तो उसने सोचा मम्मी पता नहीं कहाँ रुक गई, आई नहीं, तो अभी कॉल आया था उसका। तो बस अभी निकल रहे घर के लिए, मिलती हूँ आपसे घर जाके। फ्रेंड्स जा रहे घर पे और ये देखो हमारे इंतजार में खड़ी है। अभी आ गए हम घर वाली गली में फ्रेंड्स, और अभी तो थोड़ा सा आगे से तो फिर भी थोड़ा हाल ठीक है हमारी गली का। और अभी आगे दिखाती हूँ आपको, पैर रखने की भी जगह नहीं होती है गली में, इतना बारिश होने की वजह से इतना गंद मचा हुआ है बहुत ज्यादा। ये देखो देख देख के निकलना पड़ता है, ये देखो कीच कितना हो रहा पूरी गली में बारिश की वजह से। और ये पूरी गली का ही हाल है फ्रेंड्स। और अभी आगे अपने घर आगे जाके दिखाऊंगी कितना बुरा हाल हो रहा है। जग जगह पानी भरा हुआ है। ये देखो कितना बुरा हाल हो रखा है, देखो क्या हाल है हमारी गली का। और ये देखो ये है घर, आप आ गए हम पहुंच गए हैं। और ये देखो कितनी बुरी हालत है, पूरे में पानी भरा हुआ है। पहुंच गई हूँ मैं घर पे। आ गए हैं, पहुंच गए हैं घर पे। और ये गेट खुला है टैगू के लिए, वो अभी आया नहीं है। और अभी जा रही हूँ मैं। गाइस मम्मी खा रही है बाजरे की खिचड़ी। फ्रेंड्स आज आपको दिखाया था ना कूटने लग रही थी खिचड़ी, तो अब खिचड़ी के मजे भी ले रही हूँ मैं, घी डाल के और शक्कर के साथ खा रही हूँ। अब जिसका भी मन कर रहा हो जल्दी जल्दी आ जाओ फटाफट, हमारी ठंडी हो रही है। घी के साथ खा रहे बड़ी अच्छी लग रही है। इसमें घी का है मेरी, इसमें ये रहा, ये दबा दिया मैंने, इसमें पूरे में घी घी है ये, इतनी थोड़ी फिर और क्या, घी से ही अच्छी लगती है ये। आ जाओ फ्रेंड्स खाओ भाई गरम गरम। मम्मी तो पहले शुरू हो गई। हाँ भाई भूख लग रही थी और खिचड़ी देख कर तो और ज्यादा लग गई। सर्दियों की पहली खिचड़ी बनाई है फ्रेंड्स हमने, ये सर्दी खत्म होने वाली है, सर्दी हमारी आज पहली खिचड़ी बनी है। क्योंकि मम्मी ने आँख का ऑपरेशन करा रखा था तो मम्मी नहीं बना सकती थी, आज कुट्टी भी मैंने है बस बनाई मम्मी ने। और मुझे 2 हफ्ते हो गए इस चीज, गाजर का हलवा बना के दे रहे। मैंने खाना वैसा ही है जैसे भाभी ने बना के भेजा था, कुसुम भाभी ने। हाँ खाना वैसा ही है मैंने, अब भाभी इसमें सुनेगी। बनाते हैं वो खाते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हाँ थोड़ी देर में मिलते हैं कॉफी के टाइम पे।